हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम दोनों आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। आज मैं जा रहा हूँ बाइक बुक कराने। मुझे नहीं पता मैं कौन सी बुक कराऊँगा, क्योंकि मेरी स्कूटी की वैल्यू लग चुकी है। तो अब मतलब वो ले जाएंगे स्कूटी, ठीक है? तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं रहेगा, तो मेरे को अब व्हीकल चाहिए भाई, क्योंकि मेरा काम नहीं होगा बिना व्हीकल के। और इसको फिर घुमा के भी तो आता हूँ मैं व्हीकल पे अपने, है ना? कितनी स्कूटी पे जाते थे ना। तो अब हम जाएंगे बाइक बुक कराने। तो अभी मैं तो जस्ट सो के उठा था और गाने चल रहे थे, तो अब गाने वाने सुन लेंगे बस, क्योंकि आज मेरा बहुत अच्छा मूड है। क्योंकि आपको तो पता ही होता है, जब कुछ नई चीज़ लेने जाते हैं तो कितना अच्छा मूड होता है। तो अब मेरा मूड बहुत अच्छा है, और मेरे ये लुक को थोड़ा वैसे इग्नोर करना है। कल ही मैंने वैसे कटवाए हैं बाल, देखो यहाँ शेडिंग कराई है, बट चंपू तो चंपू लगते हैं, तो आई एम चंपू बॉय गाय। तो ठीक है, अब चलते हैं बाइक बुक कराने। मैं नहा धो के, पहले यार भूख भी लग रही है, नहीं पहले नहाऊंगा फिर खाऊंगा फिर जाऊंगा, क्योंकि भाई यही विधि का विधान है। वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूँ रोज, बट आज करूँगा, क्योंकि आज मिलने बहुत अच्छा दिन है। तो चलिए चलते हैं इनसे मिलने। अभी मैं नहा चुका हूँ, और अभी मैं मतलब ऐसे ही बैठा हुआ था नहा धो के, अपना वही अपनी सीट पे आ गया था। और ये हमारी कुत्ती, अब ये मरने वाले काम कर रही है, और ये मेरे से पिटेगी। ये ना टोपी खा रही है, खा दे मेरे का, दे तेरे, छोड़ 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 दे, छोड़ छोड़ दे, मर जाएगी। ये देखो ये धागे 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 खाती है, ये धागे खाती है, हट धागा। और कहाँ है? वैसे तो सीधी है, दे देती है, पर कई बार नखरे दिखा देती है ये। मम्मी अभी, मम्मी कब चलोगी? मम्मी भी चल रही है, मम्मी को बाहर घुमा खिलाना है, और मम्मी को बाहर खिलाएंगे, और बाइक तो बुक करनी है। तो यार अभी बता, मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को ये नहीं पता मैं कौन सी बाइक लूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी बाइक लूँ। तो दो बाइक मैंने चूज़ करी, एक राइडर 125, अगर मेरे ये तो बजट में है मेरे, ठीक है। एक TVS अपाची है 164V, ठीक है। एक 2V आती है, एक 4V आती है। तो 4V वाली है, उसका बजट मेरे हिसाब से थोड़ा हाई है। लाइक जैसे उसका एक्स शोरूम प्राइस है 1.5, 1.5 है, आई थिंक 1.5 है उसका एक्स शोरूम प्राइस। तो ऑन रोड वो देखते हैं कितने ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तो फाइनेंस पे लूँगा वैसे भी, तो मेरे को और ज़्यादा पड़ेगी। अगर वो ज़्यादा महंगी पड़ेगी तो उस कैंसिल करके राइडर 125 तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 15 दिन की वेटिंग बोल रहे थे, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो अब देखते हैं, उससे बोलते हैं भाई थोड़ा जल्दी करवा दो, या फिर कोई और जुगाड़ लगाते हैं, अप्रोच अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो मिलते हैं अभी बाहर जाके, चले चलो मम्मी, चलो मम्मी हम तो जा रहे हैं। इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको नहीं, नहीं ये ये यहीं रहेगी, नहीं ये नहीं जाएगी। और चलेंगे चलेंगे बेटा चलेंगे, नहीं लेके चलेंगे, नहीं, इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको नहीं लेके जाएंगे, भैया गंदा है, हम ये लेके गंदी है चलेंगे अपने बेटे को। इसको तो। तो मम्मी बताओ, हम कौन सी बाइक लेके आ रहे हैं? हम कौन सी लेके आ रहे हैं जो आपको पसंद हो? टीवीएस, टीवीएस की आपको लाओगे? तो टीवीएस ही पसंद है भाई। टीवीएस की सर्विस अच्छी है, ठीक और थोड़ा है बेटा, एक सरप्राइज आपके लिए, बाइक लेने के बाद इसी चैनल पे आएगा, ठीक है? बिल्कुल चलो, ठीक है, अलाउ कर रहे हो ना? ओके ओके ठीक ओके। है, तो दो बाइक है ना, कौन सी लोगे? महंगी वाली दिलवाओगे, सस्ती वाली दिलवाओगे? वहां चल के देखते हैं, वहां डिसाइड वहां करेंगे। डिसाइड करेंगे। चलो भाई, चलो मम्मी एग्री है, पहली बार मेरे को बाइक दिलवाने में। मम्मी नहीं दिलवा रही, मतलब मम्मी दिलवा रही है, ठीक है। चलो डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, मिलते हैं शोरूम में। चेंज कर लिया भाई मैंने, वो थोड़ी फटी हुई थी, तो अब चेंज कर लिया, अब निकलते हैं, ठीक है। तो मुझे बोलती जब तो चलो, मैं चलती। चलो अरे इसको हड्डी तो दे दो, ये भग रही है हमारे पीछे, देखो ये कैसे भग रही। ये ले खा ले, साफ कर दो इसे, थोड़ी गंदी हो गई थी। चलो अब चलते हैं, अब ये 1.5-2 घंटा आराम से बैठी रहेगी, अब खा लिएगी अपना, और हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, ठीक है। मम्मी आओ फटाफट, चाबी स्कूटी, स्कूटी की चाबी। भाई अब हम आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे बुक कराने के लिए, बट हम आज एक बात बताऊँ, सैटरडे है, ये रहा TVS, यहाँ खड़ी कर देंगे, और मैंने यहीं से ली थी ये जुपिटर। अब चलते हैं अंदर, ओके। कैसी फीलिंग है? तो लेने पे पता चलेगा कैसी फीलिंग है। नहीं कुछ फील हो रहा है जैसा कुछ? हाँ वही नया आ रहा है। हाँ नया तो आ ही रहा है भाई, हमने ये भी तो नहीं ली थी यहीं से।
तो भाई ये वाली बाइक फाइनल करी है, ये वाली लेने की सोच रहे हैं, मतलब फाइनल ही हो गई ऑलमोस्ट। तो 160 4V है भाई, ठीक है। तो अब ये मैं ब्लैक कलर में लूँगा, और इसकी बुकिंग भाई कल ही मिल जाएगी, कल हैंड टू हैंड हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वगैरह लाके सारा फिट हो जाएगा काम। तो अब बता दो भाई कैसी लग रही है, ठीक है। साइड लुक है और 160 CC के है, ठीक है। माइलेज भाई इसकी 35 40 करीब आ जाएगी ना, 40 45। बस फिर भाई मेरी स्कूटी की भी इतनी एवरेज है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और भाई बड़ा इंजन हो जाएगा ये, इसको ले लेंगे, बढ़िया है। तो अब ठीक है मम्मी, बढ़िया कर दे बुक, बिल्कुल तंग कर रहे हैं बुक इसे। आज सैटरडे है इसलिए कल करेंगे। अरे हाँ सैटरडे है, सैटरडे कल बुक करेंगे। आज हमने इसको देख लिया, फाइनल हो गया, सब कुछ पूछ लिया है। तो अब इस बाइक का, ये बाइक हमारे घर पे आएगी, उसके बाद एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए, हम जाएंगे कई लंबे टूर पे इसके साथ, ठीक है। तो अब एक बार फाइनल लुक दिखा देता हूँ आपको। दूसरी वाली है थोड़ी गंदी हो रही है, वो डबल डिस्क में है, ये सिंगल है। तो ये अभी मैं सिंगल वाली लूँगा, ठीक है। तो अब मैं डबल वाली दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी साफ़ सुथरी है, ठीक है। अब दिखाता हूँ, तो भाई ये वाली है, ठीक है, इसका लुक देख ले रहा हूँ। ये भी थोड़ी गंदी हो रही है बट कोई नहीं। ये पीछे का लुक है इसका, इसमें डबल स्लेंसर आते हैं। बाकी उधर से मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों ही चलते हैं ना भाई, दोनों चलते हैं, ठीक है। अब डबल है भाई, दोनों चलते हैं तो थोड़ा और सही हो जाएगा मामला, फिट। फिर हम इसको लेके चलेंगे कहीं दूर। और इसका देखो भी भाई, ये है इसका, ऐसे होना होती है इसकी। वैसे टॉप स्पीड कुछ होगा अप्रोक्स आइडिया, 120 120 लास्ट है, 110 तो है, 125 CC चली जाती है। इसमें भाई तीन मोड आते हैं, देखो जैसे ये रेन है, यहाँ से बटन दबाया, ये मोड दबाया, वहाँ पे अर्बन हो गया, ठीक है, अर्बन। और एक है इसमें स्पोर्ट्स मोड, ये भाई तीन मोड आते हैं इसमें। और बिल्कुल नॉर्मल सही है, यहाँ पे बटन है जो इसका हो गया, ये इससे डिपर लग जाएगा, ये ऑन ऑफ का हो गया, ये लाइट्स का हो गया, और ये पावर का है, ठीक है। और ये टंकी है कुछ ऐसी। बाकी अब जब लेंगे ना तब दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब बाकी चलते हैं घर, और बाकी फॉर्मेलिटीज होगी वो घर पे बताता हूँ भाई। हमने यहाँ पे देखो बेसन के लड्डू लिए, 30 30 रुपये के डब्बे, 400 ग्राम है, रिलायंस फ्रेश में। और हम नहीं ले लिए बतेरे डब्बे, मेरी मम्मी ले रही है, शॉपिंग कर रही है। इधर आओ ना, सस्ते का माल लूटे, सस्ते का, सस्ता माल बढ़िया भाई। ये देख लो भर दिया हमने, हमने बताया मैं कल लेके गया था कितने डब्बे, कल 4 डब्बे, 4 डब्बे, और आज हमने ले लिए 3 डब्बे और, मोटा पैसा है। बिस्किट देख लेते ना, बिस्किट खा भाई। हमने ये ले लिया सामान, देखो दिखाता हूँ, बतेरा सामान ले लिया। और मैंने इसको भी बुला लिया, सस्ता माल मिल रहा था इसलिए इसको भी बुला लिया। हाँ भाई सस्ता माल लेने आ गए।